न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कोरोना की दूसरी लहर से हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह प्रभावित है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से राज्यों को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई के कोटे में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। गृह मंत्रालय ने भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए। गौतम बुद्ध नगर के जाने माने कैलाश हॉस्पिटल में वहां की डायरेक्टर ऋतु बोहरा का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में कैलाश हॉस्पिटल के 4 अस्पताल चलते हैं, ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले सवाल और सबसे वाजिब ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है मैम? ऑक्सीजन सप्लाई का, ऑक्सीजन का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। इस टाइम काफ़ी दिनों से किल्लत चल रही थी, पर हम किसी तरीके मैनेज कर रहे थे। आज ऑक्सीजन सप्लाई वालों ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे इस हॉस्पिटल में करीब 6-7 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। हमारे 71 में 3-4 घंटे की बाकी है। ग्रेटर नोएडा में आज का दिन निकल जाएगा पूरा, ये स्टेटस है। और आगे के लिए हम हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं कि हमें कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। कमिट करते हैं वो, जैसे हमारी अगर रिक्वायरमेंट 10,000 की है तो हमें दिन में 2 बार 24 घंटे में दे देंगे सिलेंडर। पर 10,000 की रिक्वायरमेंट की से को हम 6,000 से कैसे पूरा करें, क्योंकि पेशेंट को हम मना नहीं करना चाहते। इस टाइम मरीज भी कहाँ जाए। मैम, एक आम आदमी के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तो मैम उनके मन में ये सवाल रहता है कि इसका मतलब क्या है? 4 घंटे की ऑक्सीजन नहीं, 4 घंटे बाद अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ऐसे में जो पेशेंट्स भरती हैं फिर उनको आप कैसे बचाएं? हम सिलेंडर्स हैं हमारे पास, हम सिलेंडर भरवाने भी भेजे हैं। हम उसी तरीके कोशिश करेंगे बचाने की, सिलेंडर्स लगाएंगे, बट फिर भी हमें कंटिन्यू सप्लाई तो चाहिए। इंटरिम जो मेजर्स हैं हम कितना ले पाएंगे, एक कंटिन्यू सप्लाई उसके लिए प्रशासन को आना चाहिए आगे। और सब एटलीस्ट कोविड के लिए सब जगह कुछ भी करें, वो ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में ये दिक्कत आ रही होगी। पूरे देश में इसी तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है, लेकिन मैम ये भी देखा जा रहा है कि राज्य जो है वो आपस में भी लड़ रहे हैं सप्लाई को लेकर, सप्लाईज को लेकर, ऑक्सीजन सप्लाईज को लेकर। तो मैम ऐसे में आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है मैम? देखिए, हम लोग मेनली मेडिकल फील्ड से वो हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रशासन में वो नहीं है। हमारे MS है जो लगातार प्रशासन से टच में रहते हैं, तो उनको भी हम पूरा इन्फॉर्म कर रहे हैं। और हम मेनली मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो हमारा मेन मकसद होता है अपने मरीजों को देखना, प्रशासन के उसमें हम ज़्यादा नहीं। बिल्कुल मैम, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में मैम लास्ट ईयर ये चीज़ नहीं देखी थी, ये तस्वीरें हमारे सामने दी थी मैम, इस बार ऐसा कौन सा स्ट्रेन है कि मैम ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है और इस बार यंगस्टर्स को बहुत हिट कर रहा है मैम? सबको ही हिट कर रहा है। लास्ट ईयर जो था, शायद लॉकडाउन था या जो था, लास्ट ईयर इतना पेशेंट नहीं आया हमारे पास। और जब शुरुआत हुई है इस कोरोना की, तो ऐसा लगा था कि इस बार सेवेरिटी कम है, पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो रही है। पर उसके बावजूद इस टाइम तो मतलब दे आर लाइक ऑल हॉस्पिटल्स आर फ्लडेड विद पेशेंट्स, इतने सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं। मे बी हमारी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कंपैरेटिव। सर आप इस पर क्या करेंगे? सर 1 साल का समय था हमारे पास, लेकिन सर उसके बावजूद इस समय भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर में है, सर इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इसके लिए तो तीनों चीज़ें जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो हमने अपना गार्ड लोअर करा, इसके लिए तो आम जनता खुद जिम्मेदार। हर आदमी, हर इंसान को ये लगा कौन सा कोरोना, कहाँ का कोरोना, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया। जबकि हमारा पास एक्सपीरियंस बताता है पिछले फ्लू का कि हमेशा 3-4 महीने के बाद सेकेंड वेव आती है, और हमें यह भी पता है सेकेंड वेव पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक थी। सब ने अपना गार्ड लोअर कर दिया, उतने ही फंक्शन, उतने ही शादियाँ, उतने ही मास्क डाउन। उसके बाद इस बीच में जो समय था, हम अपने को प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर हमें करना चाहिए था, सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, स्टीरॉयड की सप्लाई, ये सफिशियंट मात्रा में रखनी चाहिए थी। तीसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव, लोगों को वैक्सीनेशन से हेजिटेंसी इतनी ज़्यादा थी। एक नया शब्द हमने सीखा इस बार, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। शुरुआत में इतने लोग वैक्सीन लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जितना अमेरिका को देखिए, उन जगहों पे ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन की मात्रा इतनी क्विकली कर दी लोगों ने कि वहाँ पे काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल में आ गया। तो दूसरा, कुछ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। अब उनकी पॉपुलेशन 35 करोड़ और हमारी 135 करोड़, ये पूरी पॉपुलेशन का अगर हम वैक्सीन करना शुरू करें तो हमें कई साल लग जाएंगे। ये वजह भी रहेगी इन तीनों वजह से ये सेकेंड वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक। जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने लापरवाही भी बरती, तो ऐसा लगता है कि सर सेकंड वेव में हम लोगों ने कुछ देरी कर दी चीज़ों को संभालने में? देरी तय करना तो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमें अपने अपना गार्ड लोअर कर दिया। जो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क पहनिए, हैंड हाइजीन, ये सब तो हमने देखा बिल्कुल बंद ही कर दिया लोगों ने।
कई बार हम आपस में बात करते जाते थे जब मार्केट में निकले कि देखिए गिनते हैं, अगर हम 100 आदमी गिने 100 में से कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है, तो 80% लोग बिना मास्क के घूमते थे और जो बाकी 20% थे उन्होंने मास्क भी नाक और मुंह नहीं कवर किया, चीन के नीचे लगाया हुआ है। तो कुछ हद तक तो हम आम जनता खुद भी जिम्मेदार है इस बात के लिए। और फिर वैक्सीनेशन ड्राइव अगर हमारा सक्सेसफुली, इतनी ज़्यादा वैक्सीन हमने कई जगह सेंटर पर शुरुआत में, तो हमें लोगों को बुला बुला के इन्फॉर्म करना पड़ा कि कृपया आइए वैक्सीन लगा के जाइए, वैक्सीन हेसिटेंसी के अगर ये पूरा लोग वैक्सीन एक एक सिंगल डोज मिल गई होती तो जो यंग, आपने बिल्कुल सही बताया थोड़ी देर पहले कि यंग पेशेंट पॉपुलेशन इस बार ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। पिछली वेव में यंग पेशेंट हमने इतने ज़्यादा सीवियरिटी में नहीं देखे थे, इस बार यंग पेशेंट्स आ रहे हैं 35-40 साल की उम्र जिनको बहुत सीवियर इलनेस है। मैम जैसे कि ये चीज़ है कि यहाँ पर अब ये बता दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। मैम इसके साथ ही एक और चीज़ की भ्रामक चीज़ें बहुत फैल रही हैं, लोग रेमडेसिविर की तरफ भाग रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर एक और सवाल कि मैम बेड ठीक है, बेड फुल हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर किसी को ज़रूरत है तो वो घर पर अपने रह सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, घर पर ले सकता है ऑक्सीजन, अगर उसको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसका डॉक्टर ही एडवाइस करेगा कि उसे ऑक्सीजन लेने के लिए घर पे रहना चाहिए कि अस्पताल में आना चाहिए, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो बेस्ट पर्सन है इस कॉल को लेने के लिए। कैलाश हॉस्पिटल से अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? देखो हम पहले फैसिलिटी तो दे रहे थे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की, पर इस टाइम ऑक्सीजन की किल्लत इतनी है कि पहले हम अपने अस्पताल के मरीजों को देंगे उसके बाद घर में दे पाएंगे, अभी हम नहीं दे पाएंगे। ऑक्सीजन की भारी कमी से अस्पताल तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हमने बीते एक साल में क्या तैयारियां की हैं। सवाल उठता है कि इन टूटती सांसों का आखिरकार गुनहगार कौन है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।